हाँ, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश रीडिंग की एक आसान सी ट्रिक सीखेंगे और हम इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे। आप सब रेडी है? आर यू रेडी टू लर्न? हाँ, सबसे पहले बताओ मुझे इंग्लिश में टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26। इसमें वॉवल कितने होते हैं? 5। और कंसोनेंट कितने होते हैं? 21। ठीक है, तो वॉवल कौन कौन से बताइए जरा। अब मैं आपको इनके साउंड्स बताऊंगा। हम अगर साउंड के मदद से रीडिंग सीखेंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो ए, मेरे पीछे वाला ए का साउंड है ए, और ई का साउंड है ए, और आई का साउंड है ई। आई का साउंड क्या है? ओ का साउंड है ओ, ओ, और यू का साउंड है आ, आ। तो इस तरह साउंड होगा। बोलो डबल से, ए का साउंड क्या है? ई का साउंड, आई का साउंड, ओ का साउंड, यू का साउंड आ। अब दूसरे वर्ड देखेंगे। अब क्या बचा? बी, बी का साउंड बोलो। एफ का साउंड, जी का साउंड, इस तरह पूरा जेड तक हमें साउंड। हम देखेंगे अब साउंड। इंग्लिश में कोई भी वर्ड ऐसा नहीं होता कि जिसके अंदर वॉवेल ना हो। ये जो वॉवेल होते हैं ये हमारे इंग्लिश के हीरो हैं। इनके बगैर कोई भी वर्ड नहीं बन सकता, ठीक है ना। जिस तरह हीरो के बगैर फिल्म बन सकती है क्या? नहीं। तो उसी तरह कोई वर्ड नहीं बन सकता। तो हम देखेंगे कुछ वर्ड। अब हमने मैंने आपको ए का साउंड बताया है ए, ठीक है। अब मुझे बताओ एम का साउंड क्या है? बोलो मा, मा। थोड़ा बड़ा लिख दो, ठीक है। एम का साउंड क्या है? मा, मा। और ए का साउंड क्या है? ए। तो मा है, मा है, ठीक है, वेरी गुड। और उसके अंदर साउंड मिलाएंगे पा, क्या हो गया? बोलो मा है मैं पा मैप, बोलिए मा है मैं पा मैप, मा है मैं पा मैप। अब देखो जरा एक और लिखता हूँ, साउंड बताइए। हाँ, उसके अंदर कौन सा साउंड मिला है? क्या हुआ? बा है बे। और उसके अंदर कौन सा साउंड मिला है? बा बैठा बैठ। एक हाथ में बाए को रखें, दूसरे हाथ में टा को रखें, दोनों साउंड को मिला देंगे। बाय बैठा बैठ, बाय बैठा बैठ, बाय बैठा बैठ। अब इसी तरह देखो साउंड बताइए क्या है? उसके अंदर क्या मिला है? बोलो उसके अंदर क्या मिला है? ना। इसको पढ़ेंगे फाय फैन ना फैन। बोलो डबल से। का साउंड क्या होता है? ई का साउंड क्या होता है? अब देखो साउंड बोलो डा, में कौन सा साउंड मिला है? ए, डा ए, बोलो डा ए दे। और उसके अंदर मिला दिए ना, क्या हुआ? साउंड बोलो पा, उसके अंदर कौन सा साउंड मिला है? ए। और उसके अंदर कौन सा साउंड मिला दिए, क्या हो गया? बोलो। और देखो जरा इधर साउंड बोलिए, क्या उसके अंदर कौन सा साउंड मिला है? ए। नाम उसका ई है लेकिन साउंड क्या है? जय जय का जेट, जय जय का जेट। अब बताओ मुझे इसका ये कौन सा लेटर है? आई। इसका साउंड क्या है? ई। हाँ, साउंड बोलो ला, ला में कौन सा साउंड मिला है? क्या हुआ? ला ई ली, उसके आगे लगा दिए पा, ला ई ली पालिक, ला ई ली पालिक। अब बोलो क्या है साउंड? पा। पा में कौन सा साउंड मिला है? पा ई फी। बोलो और कौन सा साउंड मिला है? पा ई फी गाफी। साउंड बोलो का, उसमें कौन सा साउंड मिला है? का ई ई, गा क्या हुआ? का ई की गा के। अब क्या बचा हमारे पास आखिरी वाला लेटर कौन सा है? ओ। उसका साउंड क्या है?
अब बताओ मुझे तो कोई यहाँ पे नीचे लिखता हूँ। साउंड बोलो पा पा ओ उसके अंदर कौन सा साउंड मिला है पाओ पोटा पट बोलो हाँ साउंड बोलो कौन सा साउंड मिला है क्या हुआ नो उसके अंदर कौन सा साउंड मिला है बोलो माँ और मोटा माँ साउंड बोलो क्या मिला है वा ओ वो और उसके बाद में मिला या क्या हुआ बाबो या बॉय कौन सा बचा वावेल हमारे पास यू यू का साउंड क्या है यू का साउंड क्या है आ अब देखेंगे साउंड बोलो सा कौन सा साउंड मिला है सा सा उसमें मिला है क्या हुआ सा सा ना सन सा सा ना सन साउंड बोलो सा उसमें कौन सा साउंड मिला है आ का आ और उसमें साउंड मिला दिए क्या हो गया का बा कब सा का बा कब बोलो हाँ साउंड बोलो हाँ उसके अंदर कौन सा साउंड मिला है क्या हुआ आ आ हा और उसके अंदर साउंड मिला है गा क्या हुआ हा हा गा हक समझ में आ गया चलो पढ़ो माय मै पा मै डैडे नागन लैली पालित पापो टापट सासा नासन। अब देखो क्या होता है एक बात दिफा दो वॉवेल एक साथ आएंगे तो हम क्या करेंगे जब टू वॉवेल एक साथ आ गए सॉरी दरअसल साथ में आया डबल ई तो हम क्या करेंगे डबल ई देखे एक वर्ड लिखता हूँ मैं देखेंगे बी ई पढ़ेंगे किसको क्या दे पढ़ेंगे नहीं क्या करेंगे जब दो वॉवेल एक साथ आए तो एक ही वॉवेल का साउंड निकलेगा तो क्या बनेगा बोलो बा ई बी बोलो बा ई बी साउंड बोलो आ और साउंड बोलो पी और साउंड बोलो ही ला ही तो जब दो ई साथ में आएंगे तो उसका साउंड ए नहीं निकलते हुए निकलेगा अलिफ ई दे ई क्या निकलेगा ई बी ही हाई ही लाही देखो साउंड बोलो का दो ई लगे तो क्या हुआ ई और उसके अंदर मिला दिए क्या हुआ की गाई की पाकी हाँ देखो साउंड बोलो हाँ उसके अंदर कौन सा साउंड मिला है पी क्या हुआ पी पा ई पी क्या हुआ पाई पी पापी पाई पी पापी पापी। अब देखो इसके बाद मैं बताता हूँ कि दो वॉवेल और भी एक साथ आते हैं अगर से डबल ओ साथ में आए क्या साथ में आए ओ अगर टू टाइम आता है तो उसका साउंड पहले हमने क्या देखे ओ का साउंड क्या निकलता है ओ तो इसका साउंड निकलेगा अलिफ वाव पेश टू ये क्या है ओ लेकिन जब डबल ओ आएगा तो क्या निकलेगा साउंड ऊ देखो जरा साउंड बोलो का उसके अंदर क्या कौन सा साउंड मिला है ऊ क्या हुआ ऊ और उसके अंदर साउंड मिला है क्या हुआ काकू काकू बाऊ क्या हुआ बू उसके अंदर मिला दिए बाऊ काकू बोलो डबल से हाँ वेरी गुड और देखो पढ़ो वाऊ लाहूल वाऊ डाहूल समझ में आया क्या है कि जब डबल ई दो वॉवेल एक साथ आएंगे तो उसका जो नाम है उसका वही साउंड बन जाएगा ई का डबल ई का साउंड निकलेगा ई और डबल ओ का साउंड क्या निकलेगा ऊ पढ़ो जरा बी आई लाही बाबू काबू समझ में आया चलो अब मैं आपको एक बताता हूँ और भी
कि अगर फोर लेटर वर्ड, हमने तो ये देखे इसके अंदर थ्री लेटर थे, कितने लेटर थे, थ्री लेटर, और ये फोर लेटर देखे, लेकिन इसके अंदर क्या है कि सेम वॉवेल रिपीट हुआ था। अब मैं आपको ऐसे वर्ड बताऊंगा जो फोर लेटर होते हैं उनको हम किस तरह पढ़ेंगे। देखो जरा साउंड बोलो, बा। बा में कौन सा साउंड मिला है, क्या हुआ, ओ। बा को क्या हुआ, और इसके अंदर यह मिला गया, क्या हो गया, देखो क्या करेंगे, देखो बा ओ बो, और जो ये लास्ट वाला साउंड है उसको डी में मिला देंगे, क्या हो गया बोलो आप, बॉडी, हाँ बॉडी, क्या हो गया बॉडी। अब देखो साउंड बोलो ला, उसके अंदर कौन सा साउंड मिला है, क्या हुआ, ला है, और उसके अंदर मिला है क्या हुआ, वीडियो बन रहा, लैंब, तो क्या करेंगे इसके अंदर जो डी का साउंड है वो एम में मिलाएंगे, लैंबा ऐसा नहीं बोलेंगे, क्या बना, लैंब, कैसा पढ़ेंगे इसको, और जो बा है तो उसको माँ के साउंड में मिला देंगे, इसको पढ़ेंगे लैंब, लैंब। और देखो जरा, हाँ साउंड बोलो, साउंड बोलो, क्या हुआ, साउंड बोलो, क्या हुआ, लिम। लेकिन जो हम इसके अंदर लिम पा लगाए तो ये पा साउंड इसमें मिल जाएगा, क्या होगा बोलो, लाई ली मा लिम, लाई लिम लिम, जो लिम को लिम, क्या बोलेंगे इसको, लिम बोलो, लिम, साउंड बोलो, साउंड बोलो जोर से, गामे कौन सा साउंड मिला है, और आगे टा, तो ये जो टा वाला साउंड है वो फा में मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गिफ्ट, गाएगी गिफ्ट बोलो, गाएगी गिफ्ट, गिफ्ट। अगर अब ऐसा होगा कि हमने देखे कि ये जो वॉवेल है ए का साउंड क्या, देखे ए, ई का साउंड ए, और आई का साउंड ई, लेकिन अगर ये वॉवेल कोई वर्ड के स्टार्ट में आते हैं तो उसका जो नेम है वही उसका साउंड निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम लिखे, क्या लिखेंगे, एग्जाम, तो जो ई का साउंड है वो क्या निकला, ई निकला, एग्जाम, क्या बोले हमने, एग्जाम। और देखो एल्यूम, क्या बोलेंगे इसको, एल्यूम, ए का साउंड निकलेगा यहाँ पर ए, एम्बिशन, इसके अंदर भी ए का साउंड क्या निकलेगा, ए, यानी जब हम वॉवेल से शुरू करेंगे तो उसका साउंड हमेशा जो उसका नाम है वही निकलेगा। हाँ, तो आपको वॉवेल के साउंड समझ में आ गया, और वॉवेल का किस तरह हमने थ्री लेटर, फोर लेटर और डबल वॉवेल आता है उसको हमने सीखा है। अब मैं आपको ऐसे वर्ड बताऊंगा कि जिसमें दो लेटर को बन के एक साउंड बनता है, फॉर एग्जाम्पल बोलो कौन क्या है, एस एच, एस का साउंड सा है, एच का साउंड हा है, साहा नहीं पड़ेंगे इसको, ये जब दोनों साथ में आएंगे तो इनका साउंड बन जाएगा शा, क्या बनेगा, शा, और इसको हम अपने ही टेक्निक से पढ़ेंगे। देखो जरा साउंड बोलो, क्या बना, जोर से बोलो, इसमें क्या मिला है, क्या हुआ, और क्या मिला दिया उसके अंदर, बोलो साउंड, इसमें क्या मिला है, इसमें मिला है, शाय शाय दा शाय, बोलो शाय शाय दा शाय, शाय दा शाय, ओके, हाँ साउंड बोलो, उसमें कौन सा साउंड मिला है, बाए, और उसमें मिला दिए साउंड शा, क्या हो गया, बैक, वेरी गुड। साउंड बोलो, उसमें कौन सा साउंड मिला है, क्या हुआ, और उसमें मिला दिए शा, पाओ पाओ शाबाश, बोलो। अब जब देखे हमने कि ऐसे सा निकलता है, तो जब सी और एच साथ में आएगा तो उसका साउंड निकलेगा, सी का साउंड अगर का और एच का साउंड आपका हा तो ऐसा साउंड नहीं निकलेगा, इसका साउंड निकलेगा चा, क्या निकलेगा, चा, चे होता है ना हमारा, बना
मराठी का चा, उर्दू का चे, दबर चा, तो ऐसा साउंड निकलेगा इसका। तो आप देखो इसके वर्ड देखेंगे कौन से है, तो साउंड बोलो चा, जोर से बोलो चा, उसमें कौन सा साउंड मिला है, ओ, उसमें मिला है चाओ चाओ पाचो, साउंड बोलो मा, उसमें कौन सा साउंड मिला है आ, क्या हुआ मा, और उसमें मिला है ना, क्या हुआ मन, मा मा ना मन, और उसमें मिला दिए चा, तो क्या हो गया मंच, बोलो मंच, साउंड बोलो टा, टा में कौन सा साउंड मिला है ओ, टा और आ, टॉर्च, और उसमें मिला दिए चा, टॉर्च, टॉर्च, समझ में आ रहे हैं ना, ऐसे वर्ड मिलेंगे आपको, आप किताब में से ढूंढ पाएंगे और पढ़ पाएंगे ना आसानी से, हाँ वेरी गुड। तो एक और वर्ड देखते हैं, साउंड बोलो ला, ला में कौन सा साउंड मिला है, क्या हुआ ला, फिर उसके अंदर मिला दिए ला, क्या हुआ लन, और मिला दिए चा, तो क्या हो गया लंच, ये है ना सबने लंच, वेरी गुड। अब देखेंगे कि जब W और H साथ में आता है तो उसका साउंड क्या बनेगा, इनका साउंड हमेशा बनेगा वा, क्या बनेगा वा, वे वा, अब देखो वा इससे क्या बनेगा, गाड़ी को क्या होते हैं वी, क्या हुआ वी, और ये डबल ई आया तो साउंड क्या बना वी, और उसमें मिला ला, तो क्या हो गया वी, वी, और देखो हाँ बोलो वैन, क्या बना वैन, वी और लगा दिए चा, क्या बन गया बोलो विच, साउंड बोलो आप, क्या हुआ वी, और मिला दिए माँ, क्या हो गया वी, और एक देखो टी और एच साथ में आएगा तो इसका साउंड बनेगा था, क्या बनेगा था, अब बोलो साउंड क्या है मो, और टी एच लगा दिए क्या हो गया बोलो दौर से क्या कशा, क्या हुआ मो, क्या हुआ खाओ खो, खाओ रा खोर, और ना लगा दिए क्या हो गया खोर, साउंड बोलो हा हा आ हा।